हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष कुमार शर्मा ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। 7.3 हमारा अवकलन में चल रहा है। जैसे कि हम दो सवाल तक कंप्लीट कर चुके हैं, तीसरे का ए पार्ट है साइन एक्स प्लस टू कोस स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई बराबर जीरो। आपको पता होगा यहां से ए स्पष्ट फलन के अवकलन हमने स्टार्ट कर रखे हैं। ए स्पष्ट फलन क्या होता है, इस तरह का ये क्या है, ए स्पष्ट फलन है। इसमें हमें dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है। देखिए बेटा, सभी फलनों का x के सापेक्ष आपको अवकलन कराना है। क्यों? क्योंकि हमें dy अपॉन dx निकालना है। dy अपॉन dx जो है वो ये संकेत देता है कि आपको फलन का अवकलन किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष। ठीक है, देखिए बेटा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष फलन का अवकलन कराने पर तो साइन एक्स का अवकलन होगा बेटा कॉस एक्स प्लस, देखिए टू यहां से कॉन्स्टेंट है, बाहर ऐसा ही रह जाएगा, कॉस स्क्वायर वाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, घात का अवकलन करेंगे। घात का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, टू कॉस वाई, टू कॉस वाई। ठीक है, जी हमने घात का अवकलन कर दिया x की पावर n से, तो क्या आ गया, टू कॉस वाई। अब हम क्या करेंगे, कॉस वाई का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन वाई। क्या आ जाएगा, माइनस साइन वाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y का भी अवकलन करेंगे। कॉस वाई में आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, बच्चे इसमें गलती करा देते हैं कि कॉस वाई का माइनस साइन वाई करा दिया। उसके बाद हमें वाई का भी अवकलन कराना होता है। ठीक है, और वाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हमने टू कॉन्स्टेंट छोड़ दिया था, पहले घात का कराया, टू कॉस वाई आ गया, फिर कॉस वाई का कराया, माइनस साइन वाई आ गया, फिर वाई का कराया, डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। ठीक है बेटा, प्लस एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई का अवकलन देखें आप, एक्स इंटू वाई, अर्थात इसमें कौन सा पैटर्न लगेगा, यू इंटू वी, ये दो फलन है, एक्स भी है और वाई भी है। ठीक है, तो दो फलनों का गुणनफल इसमें काम करेगा, तो एक्स को छोड़ दिया, वाई का अवकलन करा दिया, डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, प्लस वाई को छोड़ दिया, एक्स का अवकलन करा दिया, एक्स के साथ एक्स एक आ गया, बराबर जीरो का अवकलन, जीरो अचर राशि। अब हम इसे हल करते हैं बेटा, कॉस एक्स रह जाएगा, ये देखो आप, पहले टू कॉस वाई माइनस साइन वाई, माइनस का चिन्ह तो यहां पर बाहर आ जाएगा। अब टू साइन वाई कॉस वाई, तो टू साइन वाई कॉस वाई कोई फॉर्मूला बनाता है, बिल्कुल, किसका, साइन टू वाई का, क्योंकि टू साइन एक्स कॉस एक्स बराबर क्या होता है, साइन टू एक्स। इसी तरह से टू साइन वाई कॉस वाई क्या हो जाएगा, साइन टू वाई। ठीक है बेटा, और हमें डीवाई अपॉन डी एक्स के पद एक जगह रखने, बाकी सबका पक्षांतरण करा देना है। तो यहां से आप देखिए, कॉस एक्स है, एक प्लस का वाई है, ये दोनों पक्षांतर होकर उधर चले जाएंगे, और यहां से आप इन दोनों में से डीवाई अपॉन डी एक्स कॉमन लोगे। तो एक बार इनको उतार देते हैं, ऐसा कैसा, कॉस एक्स ये माइनस का चिन्ह यहां आ जाएगा। देखो बेटा, ये क्या बना रहा है, साइन टू वाई, ये टू पहले से ही है, तो टू साइन टू वाई, टू पहले से ही है, ये क्या बना रहा है, साइन टू वाई। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर जीरो। हाँ जी, हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या बचेगा हमारे पास, यहां से x बचेगा, यहां से माइनस का 2 साइन 2 वाई बचेगा। ठीक है, बराबर इसे और इसे पक्षांतरण करा देते हैं, ये जाएगा इधर माइनस का y हो जाएगा, ये जाएगा इधर माइनस का cos x हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे देखें, dy अपॉन dx बराबर, इसका हम क्या करते हैं, इधर भाग लगा देते हैं, तो इसमें से हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं बेटा, वाई प्लस कॉस एक्स, और इसका हमने भाग लगा दिया, एक्स माइनस टू साइन टू। ठीक है,
अगर आप इस माइनस को खत्म करना चाहो तो नीचे से भी क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा वाई प्लस कॉस एक्स बटे, माइनस कॉमन ले रहा हूं मैं इसमें, चलिए ये प्लस का और ये माइनस का, तो टू साइन टू वाई माइनस एक्स, जो कि हमारा इस फलन का अवकलन प्राप्त हो जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे का बी। एक्स अंडर रूट वाई, एक्स अंडर रूट वाई प्लस वाई अंडर रूट एक्स बराबर एट, एक्स अंडर रूट वाई प्लस वाई अंडर रूट एक्स बराबर एट। देखे बेटा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स अंडर रूट वाई में क्या करते हैं, यू इंटू वी का फॉर्मूला लगाते हैं। देखे बेटा, एक्स को छोड़ दिया मैंने, अंडर रूट वाई का कराते हैं पहले, अंडर रूट वाई का क्या होगा बताएं आप मुझे, वन अपॉन टू अंडर रूट वाई, भाई अंडर रूट एक्स वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स, फिर अंडर रूट एक्स के अंदर एक्स का भी कराते हैं तो क्या आ जाता है, वन आ जाता है। ऐसे ही यहां पर भी होगा बेटा, एक्स छोड़ा है, अंडर रूट वाई का वन अपॉन टू अंडर रूट वाई आ गया, हम अंडर रूट के अंदर चले जाते हैं बेटा, क्या है वाई है, तो वाई का भी तो कराना पड़ेगा आपको, क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, प्लस अब हम क्या करते हैं, अंडर रूट वाई को छोड़ देते हैं ऐसा कि ऐसा, ठीक है, अब हम x का कराते हैं, x के सापेक्ष एक आ जाएगा, प्लस इधर से y छोड़ दिया, अंडर रूट एक्स का कराएंगे वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स आ जाएगा, और x का x के सापेक्ष वन हो जाएगा, प्लस अंडर रूट एक्स को छोड़ेंगे y का कराएंगे डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, बराबर वन का कराएंगे जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से dy वाई अपॉन डी एक्स के पद आप देख ले, उसमें से कॉमन ले लें, भाई जहां जहां dy वाई अपॉन डी एक्स है वो पद आपको एक जगह करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको dy वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालना है, तो dy वाई अपॉन डी एक्स के कंप्लीट पद हम एक जगह ले जाएंगे, वहां से dy वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेकर के बाकी जो बचेगा उसको एक साथ बराबर वाले में भाग लगा देंगे। ठीक है, तो dy वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले रहा हूं मैं, यहां से क्या बचेगा हमारे पास, एक्स अपॉन टू अंडर रूट वाई प्लस यहां से क्या बचेगा अंडर रूट एक्स बराबर, अब जो बचा है उसका पक्षांतर करा देते हैं, माइनस अंडर रूट वाई माइनस वाई अपॉन टू अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब हम इसे आगे हल करते हैं बेटा, देखते हैं आप डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बचेगा, यहां हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं बेटा, कितना लघुत्तम आ जाता है इसका टू अंडर रूट वाई, कितना लघुत्तम आता है टू अंडर रूट वाई, तो क्या बचेगा यहां से, तो एक्स बचेगा प्लस ये इधर गुना हो जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा टू, देखो अंडर रूट एक्स पहले से ही अंडर रूट वाई हो जाएगा, चाहो तो इसको एक सम मिलाकर लिख सकते हो किस तरह से, अंडर रूट एक्स वाई। ठीक है, बराबर इसी तरह यहां से आप लघुत्तम ले लें, क्या आ जाएगा टू अंडर रूट एक्स। ठीक है बेटा, क्या बचेगा इधर माइनस टू अंडर रूट एक्स वाई, उसी की तरह अंडर रूट वाई आएगा, उसको एक साथ मिला करके आप अंडर रूट एक्स वाई लिख सकते हो, माइनस का चिन्ह रहेगा ये कट जाएगा, माइनस का वाई। अब देखे इधर से दो से दो पेन से, ठीक है बेटा, तो अपने पास बचा डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू में ऊपर बच रहा है छोटा कोष्ट भी लगा दें, चलो एक्स प्लस टू अंडर रूट एक्स वाई बराबर, इधर देखें बराबर जो बच रहा है आपके सामने क्या बच रहा है, बोले तो इसके बटे में और भैया अंडर रूट वाई बराबर क्या बच रहा है आपके पास में, ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या बचेगा टू अंडर रूट एक्स वाई प्लस वाई, या आप उसको बदल के लिख दो इस तरह से कि वाई प्लस टू अंडर रूट एक्स वाई। ठीक है, बटे में क्या बच रहा है अंडर रूट एक्स, कटाएंगे इससे नहीं, अलग अलग है, थोड़ा सा अंतर है किसका, एक्स और वाई का। अब हम इसको भाग लगा लेते हैं,
तो हमारे सामने फाइनल उत्तर आ जाता है dy अपॉन dx बराबर, देखो बेटा ये बराबर में है, ये तो ऊपर चला जाएगा यहां पर, तो ये कहां जाएगा नीचे, तो हमारे पास बचेगा बेटा माइनस अंडर रूट वाई वाई प्लस टू अंडर रूट एक्स वाई बटे अंडर रूट एक्स वाई एक्स प्लस टू अंडर रूट एक्स, ठीक है। ये हमारा यहां से कंप्लीट उत्तर आ जाता है, किसका अवकलन है ये एक्स अंडर रूट वाई प्लस वाई अंडर रूट एक्स बराबर वन का, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चौथा, चौथे का ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर एक्स वाई, ठीक है बेटा देखें सीधा अवकलन करते हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका अवकलन हम किस तरह कराएंगे ध्यान से देखेंगे आप, ये मानो जैसे ये x है, कंप्लीट जो कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है, मान लो कोई फलन है x, ठीक है, और x की पावर कितनी है यहां से फिर 2, तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2x, उसी तरह हम यहां से इसका अवकलन कराते हैं, 2 यहां से बाहर आ जाएगा 2 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहां से इस अंदर वाले का अवकलन कराते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर का अवकलन रूमल एक्स का भी होता है वो वन होता है बेटा, तो घात का अवकलन कराया पहले तो मैंने घात आगे आ गई, अब हम अंदर वाले का अवकलन और कराते हैं डॉट में, एक्स स्क्वायर का कराएंगे बेटा 2x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कराएंगे 2x आ जाएगा, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर का कराएंगे 2y आ जाएगा, फिर हम वाई का भी तो कराएंगे तो dy अपॉन dx, वाई स्क्वायर का कराया 2y आ गया, वाई का कराया dy अपॉन dx आ गया बराबर। अब हम क्या करते हैं एक्स वाई का अवकलन कराते हैं, वही u इंटू वी से होगा, x को छोड़ा y का कराया बेटा dy अपॉन dx आ गया, प्लस y को छोड़ा x का कराया एक आ गया। अब हम यहां से इसको हल करते हैं, हल कर किसका मान निकालते हैं dy अपॉन dx का, जो कि हमारा फाइनल अवकलन होगा, इसका उसमें अंदर गुना कराते हैं बेटा, ये अपने पास आ जाएगा, इसका उसके गुना कराएंगे तो 4x और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इसका इसमें गुना कराते हैं प्लस 2×4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx, ये हमने इसका अंदर गुना कराया है, अभी और कुछ नहीं किया भैया, ठीक है, आगे देखें आप बराबर एक्स dy अपॉन dx प्लस वाई, ठीक, यहां से और यहां से दोनों में dy अपॉन dx है, एक जगह ले जा करके आप इसे कॉमन निकाल सकते हो, तो बेटा आप इसका पक्षांतर करा लो इधर और इसमें से कॉमन ले लेंगे dy अपॉन dx, क्या बचेगा इसमें 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, ये इधर पक्षांतरण से आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का x बच जाएगा बराबर, y उधर पहले से प्लस का है, इधर से ये बचा, ये उधर जाएगा पक्षांतरण से तो माइनस के 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। अब हम इसको यहां से आगे हल करते हैं, हल कैसे करते हैं, ये जो बचा बचा है इसका इधर क्या लगा दें, भाग लगा दें, तो यहां से dy अपॉन dx बराबर प्राप्त होता है y माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, जो कि हमारे दिए गए फलन का अवकलन है। आप चाहे तो इसे आगे भी हल करा सकते हैं, किस तरह से माइनस के 4x का अंदर गुना करा के, ठीक है, देखो y अंदर गुना कराएंगे माइनस के 4x क्यूब माइनस के 4x वाई स्क्वायर, ठीक है, बटे इसका अंदर गुना कराऊंगा इसमें 4x स्क्वायर वाई, इसमें कराऊंगा प्लस 4y की पावर 3, ठीक है, इसका यहां पर तो हो गया माइनस एक्स बचा, तो ये इसका अवकलन हो जाता है, ठीक है, यहां पर भी छोड़ सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बी देखें आप, इसका बी है साइन एक्स वाई
साइन एक्स वाई प्लस एक्स अपॉन वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे का बी। देखिए बेटा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन एक्स वाई का अवकलन कराते हैं। पहले हम साइन एक्स वाई का, साइन एक्स वाई का क्या आ जाएगा बेटा, कॉस एक्स वाई। ध्यान से देखना इसको, साइन एक्स वाई का कॉस एक्स वाई। अब हम कराएंगे एक्स वाई का, किसका कराएंगे, एक्स वाई का। एक्स वाई का क्या होगा, यू इंटू बी से करेंगे तो एक्स को छोड़ा वाई का डीवाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई को छोड़ा एक्स का ए। ठीक है, आगे देखो बेटा, दोबारा समझ लें एक बार, साइन एक्स का कॉस एक्स। अब इस एक्स का करा यू इंटू बी से प्लस एक्स अपॉन वाई, कौन सा पैटर्न लगेगा पता है इसमें, यू अपॉन वी वाला। कौन सा पैटर्न लगेगा, यू अपॉन वी वाला। तो बेटा यू अपॉन वी वाला पैटर्न इसमें हम लगाते हैं, वाई को छोड़ेंगे ठीक है, और एक्स का अवकलन करेंगे एक आएगा, माइनस एक्स को छोड़ेंगे वाई का करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा अपॉन वाई स्क्वायर, वी स्क्वायर होगा ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर का अवकलन टू एक्स माइनस वाई का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, जो कि हमारा इसका अवकलन है किसका, वाई का। ठीक है बेटा, अब हम इसको हल करते हैं। देखो किस तरह से, इसका अंदर गुना करा देंगे इसमें और इसमें दोनों में गुना करा देंगे इसका। देखे बेटा, यहां लिख देता हूं, इसका यहां गुना कराता हूं मैं, इसमें अपने पास आता है एक्स कॉस एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, एक्स कॉस एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई वाई कॉस एक्स वाई, वाई कॉस एक्स वाई। ठीक है, ये मैंने इसका अंदर दोनों में गुना करा दिया। यहां हमारे पास क्या बचता है बेटा, प्लस वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बटे वाई स्क्वायर बराबर, फाइनल बचा हुआ है अपने पास टू एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए आगे, अब हम इसमें से क्या करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स के जो पद हैं उनको एक जगह करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम देखें क्या और ये हल हो सकता है क्या किसी तरीके से, देखते हैं। हाँ भैया, ये डीवाई अपॉन डी एक्स का पद है, एक पद इसमें डीवाई अपॉन डी एक्स का इधर आ रहा है, एक पद बराबर वाले में आ रहा है। ठीक है बेटा, लेकिन इसके नीचे वाई स्क्वायर और है, पहले हम क्या करें, इस नीचे वाले वाई स्क्वायर को हटा दें। किस तरह से, कंप्लीट इस स्टेप का हम क्या ले लेते हैं, इसमें लघुत्तम। ठीक है, क्या आएगा बेटा, लघुत्तम इसका वाई स्क्वायर, और उस लघुत्तम का उधर क्या करा देंगे, वज्र गुना डायरेक्ट। ठीक है, देखें तो यहां से अपने पास बचता है एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर यहां गुना हो जाएगा तो वाई क्यूब कॉस एक्स वाई। ठीक है, प्लस वाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर का जब गुना करा दें टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है बेटा, अब आप इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स के पद एक जगह कर दो। देखो, एक तो ये रहा कंप्लीट, एक ये रहा और एक ये रहा, पक्षांतर करके इधर ले आना तो डी वाई अपॉन डी एक्स यहां से कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा इसमें देखते हैं, एक्स वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई बचा यहां से, इधर से माइनस एक्स बचेगा, ये पक्षांतर से आएगा बेटा इधर तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस क्या बचेगा बेटा वाई स्क्वायर। ठीक है, बराबर क्या बच रहा है, टू एक्स वाई स्क्वायर तो पहले से ही टू एक्स वाई स्क्वायर, इधर से देखते हैं आप बिना डीवाई अपॉन डी एक्स का पद लेना, इसको ले जाएंगे तो माइनस वाई क्यू कॉस एक्स वाई। ठीक है, माइनस के वन, अब इसका इसमें क्या लगा दो, तो डीवाई अपॉन डी एक्स
बराबर 2xy² माइनस वाई क्यूब कॉस एक्स वाई माइनस वाई बटे एक्स वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, जो कि हमारा इस फलन का अवकलन प्राप्त हो जाता है। ठीक है बेटा, ये हमने चार क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर लिए। अब हम यहां से आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बेटा। जय हिंद, जय भारत।